अलगूम सुद आप सब कह होंगे मेरा नाम है मोहम्मद सुबहान रफ़ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक बैड न्यूज़ है और एक ये न्यू new न्यूज़ है और हमारे ग्रुप में कंफर्म हुई थी उसके बाद ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स के अंदर कंफर्म होकर मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ और जो सीनियर्स और जो जो बच्चों ने आर पी लीगलाइजेशन के टाइम की थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों से कन्फर्म भी किया और अपने सीनियर से भी कन्फर्म किया सो ये अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक है और रियल है आर के टाइम आर के टाइम अब वेरीफिक पी न्यू वेरीफ़िकेशन में नहीं डाल सकते आप जब आप रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन फ़ाइल करने जाते हैं तब आप एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन में आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को फाइल नहीं कर सकते ये ऑथेंटिक अपडेट है अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसका क्या हल है हम किस टाइम पी सी को वेरिफिकेशन में डालें किस टाइम लीगलाइजेशन करवाएं डॉक्यूमेंट और किस टाइम आप पी को दोबारा आप हमारे छः महीने की जो एक्सपायरी डेट हो जाती है बार बार उसका क्या हल है और इसकी इस वीडियो में हम मुकम्मल मैं आपको गाइड करूँगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और शेयर कर देना और मेरा नाम है मोहम्मद सुबहान रफ़ मैंने इसके लिए एक प्रॉपर एक ग्रुप बनाया हुआ है स्टडी इन ऑस्ट्रिया सुबहान आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप मेरे से प्रोसेस करवाना चाहते हैं मैं वो प्रोसेस भी करूँगा आपका प्रोसेस मुकम्मल तरीके से जैसे आप जैसे आपको प्रॉपर गाइडेंस करूँगा एच ई सी आई बी सी सी मूफा आपको स्टडी ऑस्ट्रिया के रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक करने के बाद मैं आपको कहूँगा आप एलिजिबल है आप अप्लाई कर लो आपका जो एडमिशन है आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट करता हुआ तो डेफ़िनेटली मैं आपकी जो कोर्स है उसको मैं आ, आगे अपील मतलब कि आगे अप्लाई करने की ये आपकी हेल्प कर दूंगा और आपका अप्लाई कर दूंगा मैं तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम से आएंगे तो आर पी की जो अपॉइंटमेंट है ये देखें लिखा है गुड डे यू कैन नॉट सबमिट अ पी सी सी फॉर वेरीफ़िकेशन एट योर रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर दिस प्लीज़ सबमिट फॉर योर वेरीफ़िकेशन अपॉइंटमेंट एट वी एफ एस सिनसियरली योर ऑस्ट्रियन एम्बेसी इस्लामाबाद ठीक है इसके बाद ये ये प्रॉपर तरीके का तरीके से एक ईमेल इनकी आ गई है इसके बाद एक बच्चे ने और ईमेल की कि इस दिस इज इज द इज दिस द रियल ऑथेंटिक जो ये खबर है वो ऑथेंटिक है या बस अफवाही uh, वो है वो मैं आपको स्क्रीन निकाल के दिखा देता हूँ ग्रुप से मी सर्च इट ठीक है ये आ गया ठीक है वो स्क्रीनशॉट आ गया, गया ग्रुप से ठीक है इसमें भी लिखा हुआ है बच्चे ने के ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ रेजिडेंस परमिट ऑल डॉक्यूमेंट शुड ऑलरेडी बी लीगल एज इफ़ यू वांट टू प्रेजेंट अ न्यू पीसीसी फॉर वट एवर रीजन एन अपॉइंटमेंट मस्ट बी बुकड एट वीएफएस रिगार्ड्स ऑस्ट्रियन एम्बेसी इस्लामाबाद तो ये देखें ये एक और कन्फर्मेशन है और सारे बच्चों को ये ई आ चुकी है सगाइज़ so, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस बारे में कि आपको कब अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और वेरीफिकेशन uh, में डालना है और कैसे लीगलाइजेशन करानी है थोड़ी सी मैं आपको टिप्स दे देता हूँ uh, जो प्रो टिप्स मेरे नज़र में है तो so, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ देखिए एम्बेसी के दो स्क्रीनशॉट्स हैं इस पर लिखा यू कैन नॉट सबमिट अ पी सी सी फॉर वेरीफिकेशन एट योर रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर दिस सबमिट फॉर योर वेरीफिकेशन फॉर दिस प्लीज सबमिट फॉर योर वेरीफिकेशन अपॉइंटमेंट एट वी एफ एस सिंसियरली योर उसके बाद दूसरे गुड डे यू कैन नॉट सबमिट अ असी फॉर वेरीफिकेशन एट योर रेजिडेंस परमिट अप्लीकेशन फ़ॉर दिस प्लीज़ सबमिट फॉर योर वेरीफिकेशन अपॉइंटमेंट एट वी एफ एस सिंसेयरली योर्स तो मतलब कि इसमें कंफर्म कर दिया कि हम अब अपना जो बच्चे करते थे लाइक हम करते थे कि हमारा चलो लीगलाइजेशन में पीसीसी वेरीफाई नहीं कराएंगे हम आर पी के टाइम जाएंगे ना जब अपॉइंटमेंट लेके आर की बैंक स्टेटमेंट अपना एडमिशन लेटर अपना अकोमोडेशन अपना इंश्योरेंस अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट उस टाइम हमारा लीगलाइज नहीं तो हम पी को वेरीफिकेशन में डाल देते थे आर के लिए और उस टाइम वो उस टाइम वो लीगलाइज और पी सी वेरीफिकेशन होता है अब ऐसा सीन नहीं है अब आप लोगों ने करना है कि अपना आपने अपॉइंटमेंट्स पहले पता ही करना है आपने पहले नहीं है वेरीफिकेशन की अपॉइंटमेंट वी के थ्रू मैं उसकी वीडियो आज दोबारा बना के लगाऊंगा वेरीफ़ाई से कैसे बुक करनी है आप कराची के ले लें इस्ला के लिए लाहौर के ले लें इट्स नॉट मैटर आपने वी एस की जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी है बुक करके आपने अपनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्लियर करना फोर्टीन यूरो फीस ऑनलाइन पे करनी है उसके बाद अठाई हजार छह सौ उनकी अपनी फीस है एम्बेसी की आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने डाल देने हैं वेरिफिकेशन में वो वेरिफिकेशन की जब रिपोर्ट आती है कि आप हाँ लीगलाइज करवा सकते हैं आपकी रिपोर्ट सही आई है आपकी रिपोर्ट ऑथेंटिक आप आई है, है आप मतलब कि एलिजिबल हैं और आप विले लीगलाइजेशन करवा सकते हैं तो फिर आपने तब क्या करना है आपने तब एक और अपॉइंटमेंट बुक करनी है फॉर पीसीसी वेरिफिकेशन आप वी पे जाओ और दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक करो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट सो दैट मींस वो जब आपको रिपोर्ट आ रिपोर्ट के दो तीन महीने बाद लिगलाइजेशन की डेट मिलेगी तो आप अपना लीगलाइजेशन उस टाइम प्रोसेस कम्प्लीट करो लीगलाइजेशन में बैचलर की डिग्री बैचलर की ट्रांसफर मास्टर्स वाले अगर बैचलर्स लेकर जाना है जिन्होंने वो अपनी मेट्रिक की डिग्री और इंटरमीडिएट की डिग्री लीगलाइज uh, करवा लें ठीक है ये प्रोसेस कम्प्लीट हो गया उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में ये होगा कि आपने नई अपॉइंटमेंट बुक की होगी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की आप दोबारा से पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में डालोगे आप उस टाइम पुलि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में डाल देंगे न्यू अपॉइंटमेंट लेके वी एफ एस से तो उसमें आपने सेम अट्ठाईस हज़ार छः सौ फीस पे करनी है और फोर्टी यूरो और यूरो आपने ऑनलाइन अपलीकेशन की फ़ीस पे करनी है जब आप वीज़ा सेंटर जाएंगे तो आपने अट्ठाईस हज़ार छः सौ आपने फीस पे करनी है अट्ठाईस हज़ार छो फीस पढ़ने के बाद जब उधर जाएंगे आप उधर जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स देने हैं अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की ओरिजिनल आपने दे देना है और उधर जाके आप सबमिट करा दोगे उसकी रिपोर्ट आएगी दो तो तीन महीने बाद फिर उसके बाद पाँच महीने लग जाएंगे उसके बाद अब जब उसकी रिपोर्ट आएगी वो लीगलाइजेशन हो जाएगा लीगलाइज हो जाएगा और उस टाइम तक आपके आपके पास आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे लाइक आपका पुलिस आपके बैंक स्टेटमेंट आपकी आपके पास एडमिशन लेटर भी पड़ा होगा आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होंगे तो उस टाइम ये होगा कि आप आर की उस दिन लीगलाइजेशन वे दिन अपने आर पी डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा देगा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की भी लीगलाइजेशन हो जाएगी और आपका ऑस्ट्रिया का प्रोसेस आर वाला भी कम्प्लीट हो जाएगा और इससे इस तरह आप आगे अपना वीज़ा डी भी कर सकते हैं उसके बाद आपका जब आरपी प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर आप वीज़ा इधर मूव ऑन कर जाएंगे सो so, इस इस वीडियो में यह बताने का यह मकसद था कि आप लोग आरपी की अपॉइंटमेंट्स पहले बुक ना किए किया करें पहले अपना वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट किया करें अब मेरे सन्याजी में यह था कि मैंने जनवरी में अपना वेरीफिकेशन प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ था टू लीगलाइजेशन ट्वेंटी नाइन्थ में की हुई तो मैंने लीगलाइजेशन के बाद एम से कंफर्म किया कि क्या मैं जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है अपने आरपी के टाइम डाल सकता नहीं उन्होंने मुझे कंफर्म किया था मगर चेंज हो गया रूल सो दैट्स वाई मैंने ऑन द बेसिस ऑन द टाइमली मैंने ये वीडियो बना के आज रिकॉर्ड करके आपके लिए बना के लगा रहा हूँ तो ये हुआ कि उसके बाद मैंने फिर उनके कहने पर मैंने फिर आर पी की अपॉइंटमेंट बुक की थी Uh, मैंने बुक नहीं क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे और ना कि मैं इस तरह बैठ के फोकस होकर बुक कर रहा था तो मैंने इसी को ईमेल की थी काइंडली सूटेबल मुझे एक अपॉइंटमेंट दे दें आर के लिए तो उन्होंने मुझे फेबररी की दी है मीनस के वन ईयर जनवरी से लेकर मेरा सफ़र अगले फेररी तक हो गया है तो अब ये पाँच महीने मेरे पास है तो मैंने अब इसके लिए पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जब से मुझे ये न्यूज़ मिली तो मैंने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर ली है बी से कराची की मैंने बुक कर ली टू मंथ्स के बाद की मिली थी तो मैं अब कराची से अपॉइंटमेंट करवाऊंगा अपनी लीगलाइजेशन की मतलब पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन फिर लीगलाइजेशन तो ये होगा जब मेरी ये लीगलाइजेशन कम्प्लीट होगी तब तक जाहिर सी बात है तब तक मेरा आर पी का सबमिशन का टाइम भी आ जाएगा और अगर आर पी से भी लेट हो जाए लीगलाइजेशन तो मैं आर पी में जब सबमिट कराऊंगा उनको स्लिप दे दूँगा कि मेरा पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट ऑलरेडी वेरीफिकेशन और, और लीगलाइजेशन प्रोसेस में है, तो वो उसको कंसडर करेंगे एप्लीकेशन का और लीगलाइज पुलिस पी सी सी को जल्दी करवा के अगर लेट हुआ तो वो उसमें करेंगे जल्दी ही होगी लीगलाइजेशन तो मैं उस टाइम आर पी सबमिट कर दूँगा और दैट्स इट और अपने जो है ये क्या क्या नाम है अपनी जो आर जो ऑस्ट्रिया की अपलीकेशन है ये मैं फाइल करके आगे अपना प्रोसेस कंटिन्यू करूँगा फिर वीज़ा डी का वेट करूँगा दैट्स इट आप भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं आर से पहले आप देखें अगर आपने लीगलाइजेशन की डिग्री आपने आपने लीगलाइजेशन करवा ली है या आपको वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिल जाती है कि आप लीगलाइजेशन करवा सकते हैं तब आपने न्यू वेरिफिकेशन पी सी की लेनी है और परेशर सर्टिफिकेट आपने डाल देना लीगलाइजेशन करवानी है उसकी उसकी लीगलाइज जब आप देखें बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट या मेट्रिक इंटर की डिग्री लीगलाइज़ करवा लेंगे उस दौरान आपने फिर वो लीगलाइज़ करवा लेंगे और जब आपका पी सी सी वेरीफ़िकेशन में होगा उस दौरान आप एडमिशन को घेरें एडमिशन करें और अपने एल्ट की तैयारी कर लें आपने एडमिशन ले लें अपनी अकोमडेशन बुक कर लें वो प्रोसेस कर लें फिर पी सी सी वेरीफिकेशन लीगलाइजेशन चार पाँच महीने का प्रोसेस है आपको पता है फिर उस दौरान आप अपना अपना ये आर पी फाइल कर सकते हैं और लीगलाइजेशन के बाद आप ये सारे के सारे काम कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन सिक्योर करें एडमिशन सिक्योर करने के बाद करें मेरा ये था कि मैंने दो इनटेक्स के बाद का मेरा है मतलब कि वन इन और सेकंड इनटेक में मेरा आर मैंने बुक की थी क्योंकि मुझे ये था कि चलें फाइव सिक्स नाइन मंथ्स का गैप है नाइन मंथ्स में मैं कहीं ना कहीं एडमिशन ग्रैप कर लूँगा और अपना आगे प्रोसेस कंटिन्यू कर लूँगा बाकी मैंने कल एक वीडियो बनानी है कल है मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा अपने सीनियर के साथ अब्दुल्ला के साथ तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ऑस्ट्रिया के रिलेटेड आपने इस वीडियो के कमेंट में सारे के सारे अपने क्वेश्चंस पूछने हैं मैं क्यों नहीं करूँगा अब्दुल्ला के साथ बैठ के जो मुझे इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक मतलब के क्वेश्चंस लगे मैं अब्दुल्ला के साथ बैठ के वीडियो कॉल में वो एक एक कॉमेंट खोलूँगा और वो डिस्कस करके आपको प्रॉपरली गाइड करके एक एक बच्चे का वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे सो काइंडली स्टे ट्यून विद अस और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो लीगलाइ और सॉरी लीगलाइज लीगलाइज करो लीगलाइज ही हो गया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर देना शेयर कर देना और कल कल की वीडियो का वेट करना सो so, आज जितने भी क्वेश्चंस है इसमें कमेंट्स में पूछ लो हमारा स्टडी इन ऑस्ट्रिया ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो या हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हो आपको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम पे ग्रुप दिया हुआ लिंक वहाँ से जाके आप, आप आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो आपको कोई प्रोसेस मेरे से करवाना है मैं और अब्दुल्ला भाई आपका प्रोसेस देख लेंगे तो आपको जो भी प्रोसेस होगा आपको प्रॉपर तरीके से हम गाइड करेंगे और आपका प्रोसेस शुरू से लेके फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड आपको करवा कर देंगे तो अगर आप लोग चाहते हो कि प्रॉपर सक्सेस तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी है कि अगर हमसे कंसल्टेंसी भी चाहते हो आप चाहते हो कि आपका प्रोसेस हम ही कर दें आपको कुछ टेंशन ना लेनी पड़े आप जॉब करते हो या कुछ करते हो तो वो भी हम कर देंगे हमारा जो होगा पेड का वो हम आपसे बात कर लेंगे जो भी हमारा बनेगा चार्ज वो हम आपको बता देंगे बाकी ये कि आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब लादमी कर देना चैनल को और आज मुझे चाहते हैं अल्लाह हाफिज़